Hello everyone, this is Suman. Welcome to our YouTube channel that is Avision Institute, Avision for Government Job. Today's current affairs that is based on 26th and 27th May 2019. आज का करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बन सकता है उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्चेस कॉर्प एसएमई सुविधा फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. कौन सा बैंक कॉर्प एसएमई सुविधा बोलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, कॉर्पोरेशन बैंक. कॉर्पोरेशन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है. कॉर्पोरेशन बैंक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जीएसटी रजिस्टर्ड है. तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कर्प एसएमई सुविधा. एंड दिस प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइंड एज पार्ट ऑफ द बैंक्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर. और कॉर्पोरेशन बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम क्या है, पी बी भारती. कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है कॉर्पोरेशन बैंक का. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पी बी भारती. उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जो कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंगलुरु में. और इसमें और भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगलुरु. और क्वेश्चन और भी एक आ सकता है कि कॉर्पोरेशन बैंक का टैगलाइन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसका टैगलाइन क्या है, ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक और एक है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएम ऑफ उड़ीसा फॉर ए फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म. किनको उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा फॉर ए फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक. उड़ीसा का जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी का नाम क्या है, बीजू जनता दल. इसको याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़ीसा का रूलिंग पार्टी का नाम क्या है, बीजू जनता दल, बीजेडी. इनका हेड क्या है, हेड कौन है, जो उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने फिर से उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हो रहा है फॉर ए फिफ्थ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए. और उन्होंने उड़ीसा का जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में 27th में शपथ लेंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त होने के लिए. और स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का गवर्नर का नाम क्या है, मिस्टर गणेशी लाल. और नेशनल पार्क का क्या क्या है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या क्या है जो उड़ीसा में है, तो उसका नाम है भिटारकनिका नेशनल पार्क और कंजर घाटी नेशनल पार्क. और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज उड़ीसा. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री. ए सी ओ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन डैस. इसमें देखिए पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बिश्केक, ऑप्शन ई बीजिंग. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिश्केक. बिश्केक मतलब इस साल जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हेल्ड हो रहा है, बिश्केक में. और इस मीटिंग में इंडिया का तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, जो इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका नाम है सुषमा स्वराज. और ये जो मीटिंग चल रहा था उस टाइम सुषमा स्वराज जी ने डिस्कस किया है सेवरल प्रेसिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस्ड. और अगर किर्गिस्तान का बात हुआ है तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किर्गिज रिपब्लिक, इसका कैपिटल का नाम क्या है, बिश्केक, और करेंसी का नाम क्या है, किर्गिस्तानी सोम. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर. इंडिया बैग्स हाउ मच मेडल्स एट इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट. इंडिया ने कितना मेडल जीता है जो इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 57. तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कितना मेडल जीता है जो इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो गुवाहाटी में हो रहा है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 57। और 57 में टोटल गोल्ड कितना जीता है, 12, सिल्वर जीता है 18 एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और एमसी मैरीकॉम, शिवा थापा, एल सरिता देवी एंड नमन तनवार, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन दर रेस्पेक्टिव फाइनल्स। अगर असम का बात हुआ है, मतलब गुवाहाटी असम का एक सिटी है, तो असम का बात हुआ है तो असम का स्टैटिक को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो असम का कैपिटल का नाम क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। और कुछ नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम क्या क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क। तो देखिए इसमें चार जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम, ठीक है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, उसका आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा असम। और डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उसका आंसर हो जाएगा असम। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आसाम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑन कैंसर रिसर्च। कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से एनर्जी के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन कैंसर रिसर्च के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उस प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में है इस डिपार्टमेंट। इस दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, किस लिए, फॉर सपोर्टिंग जॉइंट कोलाबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ कैंसर, ओके। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इट्स टाटा मेमोरियल सेंटर विच ऑल्सो फंक्शंस एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कैंसर ग्रिड ऑफ इंडिया। अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बात हुआ है तो इसको स्टैटिक को देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक है तो उसको देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1986 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। और सेक्रेटरी कौन है, डॉक्टर रेणु स्वरूप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अजीत डोभाल एड्रेसेस 17th इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ BSF इन विच सिटी। इसमें देखिए 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु, ऑप्शन ई लखनऊ। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, उनका नाम है अजीत डोभाल। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है इंडिया का, तो उनका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अजीत डोभाल। इन्होंने क्या किया, हैज स्टेटेड दैट टेक्नोलॉजी विल प्ले ए पिवोटल रोल इन गार्डिंग द बॉर्डर्स इन डेज टू कम एज सिक्योरिटी चैलेंजेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। डोभाल ने क्या किया, एड्रेस किया है जो 17th इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब BSF इन न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन आ सकता है, डोभाल ने जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली में एड्रेस किया है, वो कौन सा नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 17। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। डैश कंपनी टीम्स अप विथ इंडिया टू इश्यूज पैन कार्ड, मतलब कौन सा कंपनी इंडिया का साथ टाइप होकर क्या पैन कार्ड इशू करेगा, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑयर कार्ड। ऑयर कार्ड एक जर्मनी का पेमेंट्स कंपनी है जो इंडिया का साथ एक टाइप होकर क्या पैन कार्ड इशू करने के लिए राजी हुआ है, ठीक है। और मतलब जर्मनी का अगर बात हुआ है तो इसका स्टैटिक को भी जान लेते हैं। कैपिटल का नाम क्या है, बर्लिन। और करेंसी का नाम क्या है, यूरो। और चांसलर का नाम क्या है, एंजेला मर्केल। तो क्वेश्चन आ सकता है, वायर कार्ड कौन सा कंट्री का एक पेमेंट्स कंपनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जर्मनी।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. रिलायंस कैपिटल टू सेल इट्स स्टेक इन म्यूचुअल फंड्स बेज फॉर डैश करोड़. तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए 7000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 5000, ऑप्शन ई 3000. द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी 6000. तो देखिए अनिल अंबानीज रिलायंस कैपिटल विल एग्जिट म्यूचुअल फंड्स बिजनेसेस बाय सेलिंग इट्स स्टेक इन रिलायंस निपुन लाइफ एसेट मैनेजमेंट टू जापानीज पार्टनर निपुन लाइफ इंश्योरेंस. रिलायंस कैपिटल विल सेल 32.12% स्टेक टू निपुन लाइफ फॉर 4,520 करोड़. रिलायंस कैपिटल ने 32.12% स्टेक मतलब बिक्री कर दिया किसको, जो निपुन लाइफ है, जो 32.12% इक्वल टू 4,520 करोड़, टेकिंग द लेटर्स शेयर होल्डिंग टू 75%. इट विल offer its remaining 10.76% stake to other investors for 1480 crore. So badhte hain agle question ki taraf. Question number 9. Paytm Payments Bank turns profitable in second year with a dash crore profit. To isme dekhiye 5 option hai. Option A 15, option B 16, option C 17, option D 18, option E 19. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई 19. पेटीएम पेमेंट्स बैंक अनाउंस किया जे दिस बैंक हैज टर्न्ड प्रॉफिटेबल विद इन इट्स सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस पोस्टिंग ए 19 करोर प्रॉफिट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2018-19. मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो फिनेंशियल ईयर है 2018-19 इस ईयर में, इस फिजिकल ईयर में जो टोटल इसका प्रॉफिट हुआ है वो है 19 करोर. एंड इट हैड रिपोर्टेड ए 20.7 करोर लॉस फॉर द फिनेंशियल ईयर 2017-18. और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बात हुआ है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है. मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है, उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता. और टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 10. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन किड्स राइट इंडेक्स. मतलब किड्स राइट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है जो 2019 में. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 117. एवरी ईयर किड्स राइट इंडेक्स रिलीज होता है जिस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 117 आउट ऑफ 181 कंट्रीज. ये जो इंडेक्स रिलीज होता है ये किसका बेसिस में रिलीज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच दे आर इन्वॉल्व्ड एंड इक्विप्ड टू इंप्रूव चाइल्ड राइट्स. और ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है, आइसलैंड, उसके बाद सेकंड में कौन है, पुर्तगाल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टू गेट द लेटेस्ट अपडेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज अविजन इंस्टीट्यूट, अविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब. थैंक यू.